फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के बना रहा हूँ। टैली प्राइम में अगर आपको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर करना हो तो हम कैसे करते हैं, साथ ही साथ स्टॉक जनरल एक वाउचर होता है उसका क्या यूज होता है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो टैली प्राइम को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये टैली प्राइम है। और अगर आपको स्टॉक समरी देखनी है तो यहाँ पे स्टॉक समरी में जाकर के देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है और यहाँ पर आप मंथ वाइज या और भी अलग अलग तरीकों से इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें डिटेल तो दिख रही है कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से गोडाउन में कौन सा प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से अल्ट जी प्रेस करना है आपको, शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी है, अल्ट जी। जैसे ही अल्ट जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यह विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पर गोडाउन समरी दी हुई है, तो यहाँ पर जाकर के और एंटर करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग गोडाउन बने हुए हैं, लाइक चकिया एक गोडाउन है, देवरिया गोडाउन है, लकड़ी हट्टा गोडाउन है, मेन लोकेशन है न्यू कॉलोनी है, राघव नगर है। ठीक है, तो बहुत सारे गोडाउन बने हुए हैं राघव नगर में। यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वायरलेस कीबोर्ड एक पीस रखा हुआ है, एक नंबर नंबर एनवेस जो है एक है, इसकी कीमत 700 रुपए है, वैल्यू फुल हो गई 700 रुपए। ठीक है, यहाँ पर 100 पीसेस रखे हुए हैं वायरलेस माउस के और एक की कीमत है 550 रुपए और 55,000 रुपए कुल मिला के कीमत हुई है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि आपको अगर गोडाउन में पता कर रहा हूँ कि कौन कौन से गोडाउन बने हुए हैं तो बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं अल्ट जी प्रेस करके। यहाँ पर आएंगे न्यू कॉलोनी, न्यू कॉलोनी में क्या कितना अवेलेबल है ये भी देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आते हैं मेन लोकेशन में, मेन लोकेशन में कौन सी चीज कितनी मात्रा में अवेलेबल है ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा लकड़ी हट्टा गोडाउन है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस मात्रा में कौन सी चीजें अवेलेबल है। देवरिया गोडाउन और चकिया गोडाउन में भी सेम कंडीशन है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, एक गोडाउन का माल दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक अदर वाउचर जिसकी हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले। तो यहाँ वी प्रेस करके वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ से F10 प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ आता है स्टॉक जनरल, ठीक है, ये आ गया स्टॉक जनरल। तो आपको स्टॉक जनरल में ही जाना है और यहाँ से अल्ट F7 भी प्रेस कर सकते हैं फंक्शन की, तो यहाँ से अल्ट F7 प्रेस कर लेते हैं या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं आप। तो जैसे क्लिक करेंगे तो स्टॉक जनरल ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम क्या आपको ट्रांसफर करना है, हमें वायरलेस कीबोर्ड को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ वायरलेस कीबोर्ड अगर हटा में गए और यहाँ पर क्वांटिटी भी आपको डालनी है, तो मान लीजिए 5 हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो 5 की कीमत आ गई, यहाँ पर एंटर करेंगे यहाँ पर आए, यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो नेम ऑफ आइटम आपको बताना है, तो वायरलेस कीबोर्ड ही है ना, तो वायरलेस कीबोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ले लिया वायरलेस कीबोर्ड और यहाँ पर फिर हमको किस गोडाउन में डालना है इसको ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये न्यू कॉलोनी और यहाँ राघव नगर में एक ही है और मेन लोकेशन में एक भी नहीं है, तो आप इसको मेन लोकेशन में भेज सकते हैं, लाइक यहाँ पर जो भी आपका है पार्ट तो इसको मेन लोकेशन में डाल दीजिए। तो ये देखिए ये ट्रांसफर हो गया मेन लोकेशन में, पहले 0 था अब 1 हो गया है। और रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर और अल्ट जी प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी और नीचे आइए गोडाउन समरी में। ठीक है, जैसे गोडाउन समरी में आएंगे एंटर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर मेन लोकेशन हमको देखना है, मेन लोकेशन में है या नहीं, जो हमें मेन लोकेशन में नहीं दिख रहा था वायरलेस कीबोर्ड। अब आप देख सकते हैं कि 5 आइटम अवेलेबल भी हो गए हैं। तो ये आपकी बात समझ में आई होगी कि ये क्या यूज होता है इस वाउचर का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको जब भी गोडाउन में एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना होगा तो आप स्टॉक जनरल का यूज कर सकते हैं, बहुत आसान है ये और इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गोडाउन की रिपोर्ट देखनी है तो अल्ट जी प्रेस करके आप जा सकते हैं यहाँ पर और यहाँ से गोडाउन में क्या कितना अवेलेबल है ये पूरी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से देखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।